Hi guys, welcome back to my channel. I'm Swati and in today's video, I'm gonna show you how you can fix your Maybelline gel eyeliner. So this is a requested video. आज की वीडियो में मैं आपको शो करने वाली हूँ कि जो Maybelline का जेल आईलाइनर होता है इसको आप फिक्स कैसे कर सकते हैं. बहुत टाइम यूज़ करते करते तो अब कभी ना इसे ड्राई हो जाता है, आई थिंक एयर वगैरह के कॉन्टेक्ट में आके, और इसको जो अप्लाई करना भी इतना स्मूथ नहीं रहता जितना ईजिली आपका न्यू जेल लाइनर अप्लाई हो जाता है आईज़ पे. इतना ये जब थोड़ा टाइम हो जाता है, इसको 6-7 months हो जाते हैं, उतना ईजी अप्लाई नहीं होता. तो इसको आप अपने घर पर बैठ के कैसे फिक्स कर सकते हैं इस इश्यू को, इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ. इस वीडियो से पहले जो इसके साथ एक ब्रश आता है ये वाला, और उसको क्लीन करने के मैंने टिप्स शेयर किए थे एक वीडियो में, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट रेगुलर नोटिफिकेशंस. सो ये जेल लाइनर थोड़ा सा हार्ड हो गया है, मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ, मोर देन 8-9 months हो गए हैं इसको यूज़ करते करते, और ये थोड़ा सा हार्ड हो गया, इजीली अप्लाई भी नहीं हो रहा है हैंड की स्क्रीन पे ब्रश के हेल्प से. तो इसको मैं आज क्या करने वाली हूँ, एक हॉट वाटर में इसको डिप करके रखेंगी, और जब 2-3 minutes बाद आप इसको देखेंगे तो ये जो इसका जेल है वो पूरा क्रीमी हो जाएगा फिर से, एकदम जो नया जेल लाइनर आता है आपके पास उस टाइप का हो जाएगा. तो चलिए फिर देखते हैं कैसे किया मैंने ये. सो आपको एक कप लेना है और एकदम हॉट वाटर लेना है क्लोज टू बॉइलिंग पॉइंट. काफ़ी ज़्यादा हॉट वाटर रहेगा उतना ही सही रहेगा आपका, तो जल्दी आपका जो काजल है वो मेल्ट हो जाएगा. तो आपको एक कप में ये डिपी रखनी है और इसमें हॉट वाटर को पॉर करके रखना है एटलीस्ट 2-3 minutes के लिए. आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए. मेक श्योर करिए कि जो ये आपका इसका डिब्बी का ढक्कन है दैट इज़ क्लोजली टाइट, एकदम लूज़ नहीं होना चाहिए अल्स उसमें पानी चला जाएगा. एकदम टाइटली आपने इसको बंद करके इसको अपने कप में रख दीजिए और उस पर गर्म पानी डालिए. 2-3 minutes के लिए इसको रहने दीजिए और 2-3 minutes बाद इसको एक स्पून की हेल्प से आप इसको निकाल लीजिए. एंड जब आप इसको ओपन करके देखेंगे तो आपका जेल लाइनर है एकदम स्मूथ हो जाएगा, एकदम क्रीमी टेक्सचर उसका फिर से वापस आ जाएगा. आप इसको हैंड पे भी आप अप्लाई करके देखेंगे तो एकदम स्मूथ चलेगा आपका ब्रश, आपको कोई भी इशू नहीं होगा. और ये इशू आप अगर फिर से फेस करते हैं तो कभी भी रेडी होने से पहले आप इसको गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए रख दीजिए एंड देन यू कैन अप्लाई ऑन योर आईज़ और एकदम से स्मूथ ये फिर से चलने लगेगा. सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और जो इसमें मैंने टिप्स शेयर किए हैं वो आपको पसंद आए हो. अगर आए हैं देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. अभी के लिए मेरे पास बस इतना ही है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.